हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज तो अपडेट आया नहीं है क्योंकि कल छुट्टी थी और अभी आज कोई अपडेट नहीं है। बट गाइस, आज मैं वीडियो में तीन अपडेट दूंगा आपको। आज पहला मैं गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ 7,61,210, जिसका करंट मुझे मिला है रिटर्न 1,03,78 रुपीज का टोटल रिटर्न। और आप जैसे देख रहे होंगे, मेरा तीन फंड में है इन्वेस्टमेंट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप। तो गाइज, आज मैं ना वीडियो में आपको तीन अपडेट दूंगा। पहला दूंगा कि मेरे को लास्ट 5 महीने में, जब से मैंने स्टार्ट किया और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो तब से मुझे अभी तक कितना रिटर्न आ चुका है। ठीक है गाइज, एक तो मैं तो खास करके जो लोग निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, तो लास्ट 5 महीने में मुझे कितना रिटर्न दिया है, वो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अपडेट दूंगा गाइज, मैं आपको बताऊंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लास्ट जनवरी के कंपेयर में फरवरी में 23% का इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया है गाइस, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कौन से कैटेगरी में, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सब में कितना कितना फ्लो आया है। और एक चीज मैं बता दूं कि जनवरी के कंपेयर में फेब में 10% डिक्रीज हुआ है गाइस स्मॉल कैप में। तो हम जैसे स्मॉल कैप इन्वेस्टर, थोड़ा देखो, ये बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि स्मॉल कैप में बहुत इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ पढ़ा होगा कोटक में भी कि रिस्ट्रिक्शन आया है लमसम में और एसआईपी में, तो अब लास्ट फेब में भी 10% डिक्रीज आया है जैन के कंपेयर में स्मॉल कैप में। वो मैं आपको दिखाऊंगा कितना आया है, उसके लिए पूरी वीडियो देखो। बाकी थर्ड अपडेट तो आपको पता है गाइस, मैं आपको दूंगा मेरे यूट्यूब इनकम। आपको जो लोग यूट्यूब करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या आगे जाके यूट्यूब में कुछ गोल करना चाहते हैं, जैसा भी है, या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, कुछ भी पकड़ लो आप, उनको मैं यूट्यूब इनकम का आइडिया मिल जाएगा, तो वो मैं एंड में दूंगा। तो चलो गाइस, तो फिर अब करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का डिटेल कि लास्ट 5 महीने में मुझे कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, ये मैंने इन्वेस्टमेंट इसका खोला, अभी आप देखेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया था गाइस इसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, अभी देखो इतना नीचे जा रहा हूँ, 3 अक्टूबर से स्टार्ट किया था गाइस मैंने इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, इसका इन्वेस्टमेंट मैंने 3 अक्टूबर से चालू किया था। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था मेरा 15,000, उसके बाद मैंने 31 अक्टूबर को डाला था 2 लाख रुपया, ये टाइम पे लमसम अमाउंट का मैंने अरेंजमेंट करके डाला था। उसके बाद आप देखोगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैं निपॉन में ही कर रहा हूँ। फिर 31 अगस्त को 2,000-1,500 किया, फिर 9th नवंबर को मैंने 1,000, फिर ऐसे 200-100, तो ऐसे करते करते आप देख रहे हो लगातार दिसंबर में चालू किया फिर इन्वेस्टमेंट, फिर दिसंबर के बाद फिर जैन में स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो ओवरऑल 700, 3,000, 1,600, 1,700, ये ऐसा अमाउंट करते करते टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बन गया अभी, 2,73,867 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। करंट वैल्यू कितनी है उसकी, करंट वैल्यू है 3,12,768 रुपीज। आप टोटल रिटर्न देखेंगे गाइस 3 अक्टूबर से अब तक तो है 14.20%। तो मैं अगर आपको एक बात बोलूं गाइस, तो मुझे लगता है ये रिटर्न काफी सेटिस्फाइंग रिजल्ट है गाइस, क्योंकि 14.20 रिटर्न 5 महीने के अंदर आना, और 6 महीना 7 महीना बाकी है अभी। निपॉन में प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो खास करके आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मैं डेली बेस पे अपडेट तो देते रहता हूँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। तो अभी फिलहाल तो आप देखेंगे, तो मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी लेना इन्वेस्टमेंट, आप अपने रिस्क पे लेना। ये कोई पकड़ के आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ कि आप पकड़ के इसमें इन्वेस्टमेंट करो, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, खास करके जो लोग इन्वेस्टेड है, खास करके अभी 1-2 महीना ही हुआ है, तो उनको मैं 5 महीने का एक अपडेट दे रहा हूँ कि मुझे कितना रिटर्न आ चुका है। बाकी गाइज म्यूचुअल फंड गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें किया करो इन्वेस्टमेंट, 10, 15, 20 ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड पे आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख सकते हो। डेट्स न्यूज का, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो इंक्रीज बाय 23% इन फेब्रवरी टू 26,866 करोड़।
और स्मॉल कैप में जो मैंने आपको बताया 10% डिक्लाइन आया है। सो गाइज आप देखेंगे जैसे आगे, तो यहाँ पे AMFI का डेटा रिलीज हुआ है। अब आप देखेंगे तो जनवरी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था टोटल इक्विटी कैटेगरी में हमारा सब म्यूचुअल फंड में, 21,780.56 करोड़ अराउंड, ठीक है गाइस। और अब फरवरी में कितना हुआ है, 26,866 करोड़, तो जो कि 23% के अराउंड इंक्रीज ही आया है गाइस इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप कैटेगरी देखें किसमें कितना कितना हुआ है, तो सेक्टोरियल थेमेटिक फंड्स में गाइस 134% का जंप है, मतलब इंक्रीज है आप बोल सकते हो। आप देखेंगे जनवरी में तो 4,804.69 करोड़ अराउंड इन्वेस्टमेंट था, जो कि फरवरी में अब पहुंच के इन्वेस्टमेंट आया है फरवरी में 11,262.72। गाइस ये भी काफी बड़ा जंप आया है सेक्टोरियल एंड थेमेटिक फंड्स में। बाकी आप आगे देखेंगे तो स्मॉल कैप में 10% डिक्लाइन आया है, फैब में हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट 2,922.45 करोड़, जो कि जैन में 3,256.98 करोड़ था, 10% डिक्लाइन आया है गाइस जैन के कंपेयर में फरवरी में, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डाउन हुआ है। बाकी आप फ्लेक्सी कैप का देखेंगे गाइस तो 2,613.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है इसमें, और मल्टी कैप में आया है 2,414.04 करोड़। बाकी आप देखेंगे गाइस लार्ज कैप में तो 921.14 करोड़ है, जो कि जैन में था 1,287.05 करोड़, किसमें कितना कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किसमें ज्यादा किसमें कम जो भी है, तो कुछ ना कुछ आई होप आपको आइडिया मिला हो। गाइस इसको तो कछुआ बना दिया तुमने पूरा, मतलब ये कछुआ भी नहीं बोलूंगा मैं भी, क्या कछुए का भी नीचे का वर्ड बताओ जो बहुत बहुत ही धीरे चलता है, स्नेल है ना, क्या मतलब मैं बोलूं तुमको, बहुत बहुत ही स्लो चल रहा है गाइस, बट क्या करें, चलो आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट दिखा रहे, जितना भी दिखा रहे उसमें मैं खुश हो जाता हूँ, बाकी आप ज़्यादा दिखाओ तो फिर खुशी बहुत ज़्यादा होती है। बट अभी आजकल आप लोग थोड़ा थोड़ा ही सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, तो बूंद बूंद से सागर बनाएंगे, बाकी कोई बात नहीं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह शेयर करो। और अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ गाइस यूट्यूब इनकम कितना हुआ है मुझे। सो गाइस ये रहा अपडेट आ गया है, सो लास्ट अपडेट आया है वन डे का रिटर्न का 7 मार्च का, जो कि है 0.99, आज डेट है 9 मार्च। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ वन डे रिटर्न कितना आया है, तो 7 मार्च का आया है 0.99 डॉलर, और मार्च मंथ का देखेंगे तो मार्च मंथ का टोटल रिटर्न आ चुका है अब तक 9.46 डॉलर आता है। तो गाइज अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा आई होप, किस तरीके से रिटर्न आता है यूट्यूब में भी इनकम में। बाकी गाइज आप लोग चैनल को गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ गाइज, और तब तक अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।